स्टॉल के ओनर हैं, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कुलभूषण सिंह है। कुलभूषण जी, पढ़े लिखे चाय वाला, मतलब क्या लॉजिक इसके पीछे? एक्चुअली लॉजिक यही है कि मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एमबीए है आप? हाँ, और मैंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया हुआ यूनिवर्सिटी से। जी, लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता था, कुछ अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहता था, तो मैंने बोला कि मैं चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जी, तो घर वाले बोलते हैं पढ़ लिख के चाय का बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो वहीं से स्टार्ट होगी, पढ़े लिखे चाय वाला भी शुरुआत होगी। एक्चुअली जो ड्रीम्स थे मेरे काफी बड़े थे, मैं अपने मम्मा पापा को सोचता था कि उनको भी फॉरेन के टूर कराऊंगा, देश घुमाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें उनको लेकर दूंगा, बट वो ड्रीम्स जॉब से पूरे नहीं कर सकता था मैं। काफी छोटी जगह से स्टार्ट होकर लोगों ने काफी बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, मतलब ऐसे कार्ड, छोटे छोटे कार्ड से आज लोग करोड़पति बन चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बन सकता। मतलब चाय तो मैंने पहले फोकस किया कि चाय तो नॉर्मल सभी बनाते ही हैं, तो मैं कुल्हड़ के अलावा ऐसा कौन सा कप है जो मैं इंडिया, अगर मैं जम्मू में लाऊं, इंडिया में तो अभी एक दो स्टेट में आए हुए हैं, जम्मू में सबसे पहले मैं ले आया हूँ। खासियत क्या है इस एडिबल कप? इस एडिबल की कप की ये खासियत है कि मैंने एक लाइन भी बनाई है, यू कैन हैव दी टी, यू कैन हैव दी कप आफ्टर टी। ओके, ये रहा कि आप चाय पीते पीते उसके बाद कप भी खा सकते। भाई मुझे चाय के साथ कचौरी दो, मुझे चाय के साथ मट्ठी चाहिए, भाई आपको कुछ नहीं, आपको चाय का कप चाहिए, चलते चलते जब कप मतलब चबाइए और चाय पीजिए। पढ़े लिखे चाय वाला जो मैं देख रहा हूँ आपके स्टॉल पे लिखा हुआ, ये लॉजिक कहाँ से आया? ये पढ़े लिखे वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि फ्रेंड्स के साथ ही बैठा हुआ था, तो मैंने जब उनको बताया था कि मम्मा बोल रहे कि आपको पढ़े लिखे चाय बेचेगा, तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं और मेरे दो फ्रेंड हैं, तो बिजनेस आइडिया मेरा था, बट मैं बोलता हूँ जो नाम था वो मेरा फ्रेंड कुणाल शर्मा है, उन्होंने मुझे नाम दिया था कि बोलते हैं पढ़े लिखे यही नाम रख ले, तो वहीं से शुरुआत हुई पढ़े लिखे चाय वाले, काफी यूनिक नेम है। कूलिंग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि आप पढ़े लिखे जॉब छोड़कर आप इस चीज पे आए, काम जो है आपको कभी अंदर से लगा कि यार थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, कभी कोई शर्म महसूस हुई कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ यार, लोग देखेंगे, सड़क पे आना पड़ेगा? शर्मिंदगी महसूस वाला नहीं था, बट हाँ ये था कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल एज जैसे बोलते ना जॉब में फ्रेशर होता है, फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है? वही 10-12 हज़ार रुपया, 8 हज़ार रुपया, तो मुझे लगा था कि एज मैं भी फ्रेशर ही करने वाला हूँ। मौसम सुहाना है जम्मू की, अगर बात करें कई जगहों पर इस समय बारिश हो रही है, और बे मॉल के बिल्कुल सामने से हम गुजर रहे हैं और हमें रास्ते में कुछ दिखा है और ये अनोखा है, मैं आपको दिखाऊंगा पढ़े लिखे चाय वाले और इनसे मिलवाऊंगा अभी जब हम यहाँ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हमें एक स्टॉल दिखा है जिस पर लिखा है पढ़े लिखे चाय वाले, और यहाँ उनके ओनर भी मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि मौसम काफी सुहाना, काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित थी, आखिरकार क्या सीक्रेट है पढ़े लिखे चाय वाला कंसेप्ट, क्या है और इसके पीछे क्या वजह है और यही कंसेप्ट क्यों चुना जम्मू के अंदर, पहला कंसेप्ट है? स्टॉल के ओनर हैं, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कुलभूषण सिंह है। कुलभूषण जी, पढ़े लिखे चाय वाला, मतलब क्या लॉजिक इसके पीछे? एक्चुअली लॉजिक यही है कि मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एमबीए है आप? हाँ, और मैंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया हुआ यूनिवर्सिटी से। जी, तो 1.5 ईयर एज ए मैनेजर, एरिया ऑपरेशन मैनेजर जॉब करने के बाद मुझे वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता था, कुछ अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहता था, तो वहीं से घर बैठ के, तो घर वालों को चाय पिलाया करता था फ्री टाइम पे, बोलते थे चाय बना, तो बोलते थे काफी बढ़िया चाय बनाता है, तो मैंने बोला कि मैं चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ,
तो घर वाले बोलते हैं पढ़ लिख के चाय बिना स्टार्ट करेगा, तो वहीं से स्टार्ट होगी पढ़े लिखे चाय वाला भी शुरुआत होगी। मतलब पढ़े लिखे चाय वाले से कंसेप्ट समझ आ गया कि एमबीए है एमबीए, लेकिन ये लॉजिक की जॉब लगी हुई जो है एक बड़ा रिस्क रहता है इसमें, कीजिए कि लगे हुई चीज को जो है आपको इनकम सोर्स आ रहा है और आपने किसी चीज को जीरो से शुरू करना है, तो इतनी ताकत वो डिसीजन जब लिया गया तो कितना हार्ड रहा उस समय? एक्चुअली जो ड्रीम्स थे मेरे काफी बड़े थे, मैं अपने मम्मा पापा को सोच रहा कि इनको भी फॉरेन के टूर कराऊंगा, देश घुमाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें इनको लेकर दूंगा, बट वो ड्रीम्स जॉब से पूरे नहीं कर सकता था मैं। तो वहां से फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा स्टार्ट करूं कि फिर मैं ऑनलाइन वीडियो देखता था, लोग काफी छोटे लोग, मतलब छोटे नहीं बोलूंगा उनको मैं, काफी छोटे जगह से स्टार्ट होकर लोगों ने काफी बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, मतलब ऐसे कार्ड छोटे छोटे कार्ड से आज लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बन सकता, मतलब कोई भी बन सकता है बट आपको दिमाग का प्रॉपर यूज करना है। तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया और थोड़ा स्टडी किया, 1 से 2 महीना स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जो लोगों को अच्छा भी लगे और उनको पसंद भी आए। मतलब चाय तो मैंने पहले फोकस किया कि चाय तो नॉर्मल सभी बनाते ही हैं, हर आपको जम्मू के कोने कोने में चाय मिल जाएगी, बिल्कुल। तो मैं ऐसी कौन सी चाय लाऊं जो डिफरेंट हो, मतलब आपको मैं सोचा कि रोड साइड पे लोग जा रहे हैं इनको फ्लेवर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगी, आजकल की अलग अलग वैरायटीज के फ्लेवर आते हैं, और कुछ रिसर्च करने के बाद मैं सोचा कुछ ऐसे कप भी आए हैं, जैसे कुल्हड़ का तो ट्रेंड पूरे इंडिया में चल रहा है, तो मैं कुल्हड़ के अलावा ऐसा कौन सा कप है जो मैं इंडिया, अगर मैं जम्मू में लाऊं, इंडिया में तो अभी 1-2 स्टेट में आए हुए हैं, मैं जम्मू में ऐसा मैं कोई कप लाता हूँ जिसको एडिबल कप बोलते हैं, वहां से मैंने उसको ऑनलाइन सर्च करके जम्मू में सबसे पहले मैं ले आया हूँ। खासियत क्या है इस एडिबल कप? इस एडिबल की कप की ये खासियत है कि मैंने एक लाइन भी बनाई है, यू कैन हैव द टी, यू कैन हैव द कप आफ्टर टी। ओके, ये रहा कि आप चाय पीते पीते उसके बाद कप भी खा सकते हो, मतलब कप खा सकते हैं। हाँ, कप खा सकते हो आप चाय पीते, मतलब अगर आपको इजरली अगर आपको आप बोलने की जरूरत है कि भाई मुझे चाय के साथ कचोरी दो, मुझे चाय के साथ मट्ठी चाहिए, भाई आपको कुछ नहीं, आपको चाय का कप चाहिए, चलते चलते जब कप मतलब चबाइए और चाय पीजिए। ये पढ़े लिखे चाय वाला जो मैं देख रहा हूँ आपके स्टॉल पे लिखा हुआ, ये लॉजिक कहाँ से आया, ये पढ़े लिखे वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, इसके पीछे का लॉजिक है? लॉजिक यही है कि फ्रेंड्स के साथ ही बैठा हुआ था, तो मैंने जब उनको बताया था कि मम्मा बोल रहे कि आपको पढ़ लिखे चाय बेचेगा, तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं और मेरे 2 फ्रेंड हैं, तो बिजनेस आइडिया मेरा था बट मैं बोलता हूँ जो नाम था वो मेरा फ्रेंड कुणाल शर्मा है, उन्होंने मुझे नाम दिया था कि बोलते हैं तू पढ़ लिखे यही नाम रख ले, तो वहीं से शुरुआत हुई पढ़े लिखे चाय वाले, तो काफ़ी यूनिक नेम है, जब भी रोड साइड पे लोग चलते हैं तो मोस्टली ऐसे काफ़ी चाय वाला नाम होता है, सनी चाय, ये चाय, वो चाय, तो मैंने सोचा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं तो रोड साइड पे लोग चलते हैं पढ़े लिखे चाय वाले, वो नाम से इतना अट्रैक्ट होते हैं कि वो आ जाते हैं, एक किस्म की एक एडवर्टीजमेंट भी है जी। तो मैंने ये स्पॉट और एक मैं वे मॉल के सामने, एक रीजन था कि मैंने वे मॉल के सामने ये लगाया हुआ जैसे कि आपको पता है, क्योंकि यहाँ से हजारों लोग अंदर जाते हैं, नाम पढ़ते हैं, उससे क्या हो रहा था कि मार्केटिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, लोगों को पता लग रहा है और काफी जल्दी लोगों को पता लग रहा है और लोग चाय पीने के लिए आ रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर को फ्री टाइम पे चाय पिएगा, तो ये एक दिमाग था। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरीके से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है और बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं निराशा भी हाथ लगे, ड्रग्स की तरफ लोग काफी अग्रसर हो रहे हैं, नशा फैल रहा है युवा पीढ़ी के अंदर, आपने कंसेप्ट शुरू किया, किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है, फैमिली सपोर्ट तो रहा ही रहा लेकिन जो आम पब्लिक है, क्योंकि अभी भी देख रहा हूँ मौसम जिस तरीके से बारिश बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है, काफी भीड़ यहाँ पे एकत्रित हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आम पब्लिक यहाँ पर पहुंच रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक एडेप्टेड इंसान भी यहाँ पर पहुंच रहा है चाय लेने के लिए, कैसा फीडबैक रह रहा लोगों से बातचीत करके? फीडबैक यही है कि बहुत से लोग मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो मजाक ले रहे थे स्टार्टिंग में, बोल रहे कि भाई अब क्या तू चाय का धंधा स्टार्ट करेगा, ऐसे बोल रहे थे। इनमें क्या मैं जानना चाहूंगा उन लोगों में क्या अपने रिश्तेदार भी थे कुछ, रिश्तेदारों का नाम, रिश्तेदारों से ज्यादा मैं बात करता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना वो तब तक, पहले तो सभी रिश्तेदार यही बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, मेरी फैमिली मेरे को पता है कि अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो मेरे साथ तो मम्मी पापा वैसे बोल रहे हैं यार पागल है तेरा बेटा, जॉब छोड़ के रेडी का काम करेगा, तो ऐसा है। बट अब वही रिश्तेदार, अब जैसे कि अब आपको पता है कि जम्मू में ये थोड़ा वायरल हो गया हुआ है, अब वो रिश्तेदार बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को भी ऐसी स्टडी करा, मेरे बेटा भी कुछ ऐसा काम करे, तो ऐसा सुनने में आ रहा है, अब अच्छा भी लगता है, लोग मोटिवेशन ले रहे हैं मुझसे, कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया कि भाई मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं भी साइड बिजनेस में कर सकता हूँ, हाँ जरूर साइड बिजनेस। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, आप क्योंकि अभी तो आपको लोग जानने लगे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब आपने शुरुआती दौर में शुरू किया उस समय जब लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि आप पढ़े लिखे जॉब छोड़कर आप इस चीज पे आए, काम जो है
आपको कभी अंदर से लगा कि यार थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, कभी कोई शर्म महसूस हुई कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ यार, लोग देखेंगे, सड़क पे आना पड़ेगा, लोगों से तरले करने पड़ेंगे, या फिर कोई बात क्लाइंट खुश हो या ना हो, काम चला या ना चला, कुछ इस तरह की हेजिटेशन या कभी शर्मिंदगी महसूस कभी सोचा कभी दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया? शर्मिंदगी महसूस वाला नहीं था, बट हाँ ये था कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल एज जैसे बोलते ना जॉब में फ्रेशर होता है, फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है, वही 10-12 हज़ार रुपया 8 हज़ार रुपया, तो मुझे लगा था कि एज मैं भी फ्रेशर ही करने वाला हूँ। बट जब मैंने फील्ड में आ गया तो लोगों का काफी अच्छा रिएक्शन है, कुछ लोगों ने मुझे बहुत, मैं बोलूंगा कि कुछ बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोले, तो बहुत से जम्मू में कुछ लोग ऐसे आए मुझे जिन्होंने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, बोल रहे बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करते रहो, बहुत दूर जाओगे, बट अब आपको देखिए जहाँ पे आपको अच्छाई मिलेगी वहाँ आपको बुराई भी मिलेगी, तो आपको बस अच्छाई की तरफ फोकस करना है, मोटिवेशनल वीडियो देखना है आपको, अपने उन्हीं दोस्तों से बात करनी है जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो आपके लाइफ के अंदर ऐसे जो पार्ट प्ले करते हैं जो आपको खींचते हैं, नीचे खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे, तो उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है अगर आपको लाइफ में आगे जाना है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सबको लग रहा होगा कि अभी बड़े लोग बोलते हैं कि आप में काफ़ी रश होता है, ये है वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि सबको पता है कल मैं वे मॉल के सामने आया तो वहाँ से मुझे लोकेशन से बोला कि आप लोकेशन चेंज करो, तो ये भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ये भी सवाल पूछने लगा था आपको, क्योंकि जब हमें पहले कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी उस समय आप यहाँ नहीं थे, अपोजिट नहीं था, बिल्कुल साथ में थे, और हमें वहां से पता चला कि आप वहां से शिफ्ट कर चुके हैं किसी कारणवश, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, कितना मतलब शुरुआत करी फिर भी थोड़ा सा रुकावट, अब फिर से शुरू किया, अब सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ से भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर से आगे जाने पड़ रहा है, यहाँ से भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इवन कि ऐसा नहीं है कि मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, वो मेरा लाइसेंस अप्लाई होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिस बेस पर मैं ये खोल सकता हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो बट स्टिल मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस देखिए कॉन्फिडेंस मैं हमेशा ना अब बोलते हैं मैं प्रेजेंट को देख के चलता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो दूध गिर चुका है उसकी परवाह करोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है, तो जो दूध स्प्लिट हो चुका है नीचे गिर चुका है उसकी टेंशन मत लेनी, आपको फ्यूचर की भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप प्रेजेंट को देख के चलोगे, प्रेजेंट में आप मेहनत करो। तो आखिर में आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडमार्क तो सेट कर दिया आपने और कुलभूषण यही पढ़े लिखे चाय वाले को यही पे सीमित रखेंगे, आगे क्या सोच रखा है आपने फ्यूचर को लेकर? देखिए मैं पहले बोलूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा, यूथ जो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी स्टिल अभी मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि देखिए ये नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं काम कर रहे हैं पढ़ाई बंद हो जाती है, पढ़ाई हमेशा लाइफ टाइम चलती है, तो मैं सिर्फ फ्री टाइम पे बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं सबको ये बोलूंगा कि स्टडी हमें ये नहीं सिखाती कि आपको एक अच्छी जॉब गवर्नमेंट जॉब लेनी है या वो लेनी है, स्टडी आपको सिखाती है आप कुछ भी मतलब आपको एजुकेट करते हैं कि कुछ कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता और आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए आज आके लोग बोलते हैं कि एंड पैसा कमाना होता है वैसा कमाना होता है, नहीं अगर आप डिसिप्लिन से चलो आप अच्छा कोई काम करो जिससे देखिए जब आप मैं वेंचर स्टार्ट करते हो अपना एक सिर्फ वेंचर नहीं स्टार्ट करते हो आने वाले फ्यूचर में आप जॉब भी क्रिएट करते हो, जॉब करके आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हो, मेरा ये भी रीजन था जॉब छोड़ने का, मैं सोचा कि मेरा ये था कि अपना वेंचर स्टार्ट करूंगा, मे बी अगर चार बंदे भी जॉब पे लगेंगे तो चार अनएम्प्लॉयड बंदे कम होंगे हमारे देश में, तो ये चीज़ होती है कि ये भी मेरा फोकस था। और रही बात है इसको आपने बोला कि इसको कहाँ देखता हूँ, मैं इसको आने वाले कुछ महीनों में ही जो मेरा टारगेट है आने वाले 3-4 महीनों में जम्मू के कुछ कुछ जो से मैंने एरिया सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे मैं ये पढ़े लिखे चाय वाला का मतलब चेन आगे बढ़ाऊंगा, और जो मैं टारगेट तो काफी लंबा है, फिलहाल जम्मू से कवर करेंगे फिर कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर उसके बाद इंडिया का देखेंगे, पहले जो क्योंकि मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं छोटा छोटा स्टेप लेना चाहता। चलिए हम पूरी हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए और आपके इस वेंचर के लिए, हम भी अपने जम्मू वासियों से अपील करेंगे कि आप कुलभूषण के इस कार्ड पे जरूर पहुंचे, आप चाय का लुफ्त जरूर उठाएं, कमेंट सेक्शन खोला है सपोर्ट करें, जम्मू का बच्चा है आपका और इस तरीके से वेंचर खोला है, और हमें भी चाय पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? जरूर पिलाएंगे सर। चलिए आप चाय पीते हैं और आप भी हमारे साथ आनंद दीजिए चाय का, तो फिलहाल वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे। चलिए हम भी आज टेस्ट करेंगे किस तरीके से पढ़ लिखे चाय वाले की चाय है और मौसम भी उस तरीके का है। चलिए एक और लेते हैं और आप भी यहाँ पहुंचिएगा, पहले हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है और क्योंकि ये एडिबल कप है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है, यानी कि आप चाहे तो लुफ्त उठा ही सकते हैं लेकिन साथ साथ में जो इसका जो केस है इसे आप ईट भी कर सकते हैं, तो ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं एक नया कंसेप्ट है,
और ये जम्मू में पहली बार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप मौसम आना है जम्मू की अगर बात करें, वेदर कंडीशन काफी अच्छे हो चुके हैं क्योंकि 17 तारीख तक बारिश की संभावना, और उधमपुर से लेके पुंछ सुंदरबनी काफी ज्यादा बारिश हो रही है, जम्मू में भी आसार है, तो मौसम अच्छा है, सुहाना है। तो चाय का लुत्फ लेते हैं, हमारे साथ आप भी लीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करना है क्योंकि जम्मू का हमारा होनहार बच्चा और जिसने MBA में डिग्री कराया और डिप्लोमा कराया, उस पर जॉब लगी हुई जॉब छोड़कर एक वेंचर को सेटअप कराया और आज सपना देख रहा है कि अपने जैसे कई कुलभूषण को जो है वो स्टैंड करेगा और उनको जो है उनको फ्यूचर जो है उनका सिक्योर करेगा। तो वीडियो को इसी वजह से शेयर करना है। बाकी बड़ी कॉम्रेड्स का बने बाबू एक्सप्रेस को इधर उधर के साथ शुभ लगे बाबू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।